देखो जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1/4 पार्ट, असल में उसमें टांगे निकली हैं शफी, और तो कुछ है नहीं है भाई। जब टांगे वांगे निकली हो तो उससे डर तो लगना ही है। आपसे कह रहा है इसका सब निकालो, ऐसे ही है क्या कुछ शफी मियाँ? सर, मेरा उल्टा आ रहा है, पता नहीं इसमें। अब भाई साहब हम क्या कह सकते हैं आपको, अब हम कुछ कह नहीं सकते ना आपको। हाँ भाई देखो सब बच्चे, हमें सम निकालना है, कितने टर्म्स का सम निकालना है? इलेवन तो इलेवन इलेवन बाई टू, टू ए फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, वन अपॉन फिफ्टीन एन माइनस वन, एन इलेवन कितना है बेटा? इलेवन माइनस वन इंटू डी, डी बताओ कितना आया, पहले तो डी तो निकाल लो। 1/12 माइनस 1/15, अभी तो सर, अपन वन बाय सेम है सिक्सटी वन ठीक बाय है भाई। सिक्सटी एलसीएम ले लिया इन्होंने डॉक्टर साहब ने 60, तो 60 लिया तो 12 से आएगा 5 ठीक है, 12 5 जा 60, और 15 से कितने टाइम, 4 टाइम्स, तो 5 माइनस 4 कितना आया भाई, तो डिफरेंस हमारा आ गया 1/60, तो डिफरेंस को यहाँ रख दो फॉर्मूले में 1/60। तो सर ये आंसर है, सब बच्चे बताइए ये है ना आंसर, यस सर, यहाँ तक तो ठीक है। सर अब इसे सॉल्व कर लीजिए बेटे। तो आपके पास क्या आया 11/2, और ये आया आपके पास 2/15, और ये आया आपके पास 10/60। सर यहाँ तक भी सही है यस सर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे कैंसिल कर लो जीरो को, तो एलसीएम कितना आया फिर इनसाइड, इनसाइड एलसीएम आएगा बेटे 13 30, तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, सब बच्चे बताओ। सर, तो क्या आ गया बेटे 11/2 एंड 4 + 5 नाइन बाय थर्टी कैंसिल बस, और तो कुछ कर नहीं सकते, कितना आया आंसर? हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा सर। अच्छा 33 कैंसिल कर सकते हैं, यस तो 33 कैंसिल करोगे, 3 3 जा और 3 10 जा, तो 11 3 जा 3/20 कितना आ रहा है शफी आंसर जी, आंसर कितना आ रहा है ठीक है? अब चलो एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा वाला, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन, और ये मान के चलो बेटे आपके स्कूल में ठीक है 101%, अभी तक तो मैं 99 ही कहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 101% अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और बोर्ड में भी। असल में बस दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं कि भाई अगर हमें nth टर्म गिवन हो तो आपसे एपी सॉल्व कराता है, या फिर अगर सम ऑफ एन टर्म्स हो तो आपसे एपी सॉल्व कराता है ठीक है सर। अगर एन एच टर्म हो तब एपी सॉल्व करो, और अगर सम ऑफ एन टर्म हो तो एपी सॉल्व करो। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, तो इनको आप मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल बहुत इजी है, क्योंकि जब एन एच टर्म दे दिया या सम ऑफ एन टर्म दे दिया तो फिर बचा ही क्या है चैप्टर में। ये हमारे पास है क्वेश्चन, देखो सब बच्चे आपसे क्या कह रहा है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज गिवन। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ सब बच्चे, बहुत सिंपल है बेटे, an गिवन है, an कितना गिवन है भाई 3 + 4n, ये an है। अब आपसे कह रहा है आप an के अकॉर्डिंग a1 निकालो, a2 निकालो, an निकालो और चेक करो कि ये ap है या नहीं। इसका क्या मतलब है कि भाई a1 कैसे निकालेंगे, जहां हमारा n रखा हुआ है ना वहां पे 1 रख दो, तो फिर इधर भी जहां n है वहां भी 1 आएगा, तो क्या आएगा बेटे 3 + 4 × 1, तो 4 1 जा 4, 4 + 3 7। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बेटे an अगर 3 + 4n है तो n को 1 से रिप्लेस करना है, तो शुरू में भी रखो लास्ट में भी रखो। अब अगर मुझे a2 निकालना है बेटे, a2, तो जहां पे n है वहां पे 2 रख दूं, a2 11 आ जाएगा। अगर मुझे a3 निकालना है बच्चे,
15। शाबाश, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये एपी है या नहीं है तो क्या चेक करना होता है? डिफरेंस। डिफरेंस तो चेक करो, ए टू माइनस ए वन कितना है बेटे? सेम, फोर। फोर। ए थ्री माइनस ए टू कितना है बेटे? फोर। तो क्या सेम है? यस सर। तो ए टू माइनस ए वन इज सेम एज ए थ्री माइनस ए टू, दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी। अब अगर ये एपी में है तो सब बच्चे बताओ फर्स्ट टर्म कितना आया था? थ्री। फर्स्ट टर्म शफी? सेवन। सेवन। और डिफरेंस कितना आया था? फोर। अब देखो इसका एक पार्ट और रह गया था क्वेश्चन का, आपसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो मुझे एस 15 चाहिए। अगर मेरे पास ए है डी है तो एस 15 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? 15 बाई टू, टू ए, 15 माइनस वन इंटू डी। यस और नो? यस सर। दैट्स इट, यही था बस। सर आ गया समझ में? यस सर आ गया। तो कोशिश करेंगे बेटे सारे क्वेश्चंस करने की टोटल, बस मैं एक क्लास और दूंगा इंशाल्लाह, चैप्टर खत्म। 15 माइनस 4 14, 14 4 जा 56, 56 प्लस 14 70, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए 35, तो 15 इनटू 35 इज द आंसर। कर सकते हैं ना सब बच्चे? यस सर। यस सर। तीन बच्चों की आवाज आई बस। यस सर।